हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के सेवंथ पार्ट में और इसमें हम जानेंगे कि फर्स्ट गोस्ट राइडर कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सीन है धरती पर 1,000,000 BC पहले का। ये कहानी एक बच्चा बता रहा है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में पैदा हुआ जो केव में रहते थे और वो बर्फ से बाहर जाने पर डरते थे, और मेरा नाम भी काफी समय बाद रखा जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी नाम नहीं होता। हम एक दूसरे को उसकी स्मेल और उसके फेस से ही पहचान लेते हैं। हम बोलते नहीं हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लाते हैं अपने हाथ और अपनी आवाजें। मुझे नहीं पता मेरे फादर कौन हैं और ना ही मेरी माता को पता होगा। मेरी माता ने ही मुझे सब कुछ सिखाया जब तक मैं चलना नहीं सीख गया। मेरा एक सीक्रेट है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ यहाँ पर, और मैं बचपन से ही ऐसा था, पर यह मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं डिफरेंट था और जो भी डिफरेंट होता है वो मेरे लोगों को पसंद नहीं आता और वो मुझसे डरते थे। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों करते थे, जब तक एक अनजान आदमी नहीं आया। वो आदमी वहां से आया जहां पे हमारे में से कोई भी जाने से डरता था। वो अकेले ट्रैवल करके आया था और वो मरा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस सैबर कैट्स और वॉकिंग माउंटेन्स ही हैं जो अकेले ट्रैवल करते हैं, पर वो उनमें से नहीं था। पर उसने एक ऐसा हथियार निकाला जो हमने कभी भी नहीं देखा था। उसने वहां के लीडर को मार के खुद का रास्ता साफ कर लिया और वो हमारा लीडर बन गया, और वहां पे सभी लोगों ने उसे अप्रूवल दे दिया, चाहे वो हंटर हो चाहे वो खूंखार हंटर हो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और मैं सोचता था कि जब मैं इन्हें खोलूं तो मैं किसी भी तरह से स्मार्ट ना हूं, मैं भी इनके जैसा ही हूं। पर ऐसा नहीं था, उनमें से मैं एक ही था जो इतना स्मार्ट था कि वो डर रहा था। तभी वो आदमी उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें अकेला फील हो रहा होगा और तुम कभी भी अपने जैसे के साथ नहीं मिले होगे। और वो कहता है, तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें उन्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी जगह पे तुम्हारे जैसे स्मार्टर लोग हैं। तो वो उससे पूछता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सबसे डिफरेंट क्यों हूँ, मुझे ये सब कैसे पता है। तो वो उसको बताता है कि मैं भी ऐसे कबीले से था जो कि अपनी केव से बाहर जाने से डरते थे, और जब सूरज ढल जाता था वो रात को जोर जोर से चिल्लाते थे और ये सब वो डेली करते थे। उन्हें लगता था कि अभी दोबारा से रोशनी कभी नहीं आएगी, और एक दिन ऐसा ही हुआ उनके लिए। तो वो कहता है, ये मैटर नहीं करता कि हम बोर्न क्यों हुए डिफरेंट, मैटर ये करता है हम बोर्न किस लिए हुए हैं, हम वर्ल्ड के सच्चे मास्टर हैं। तो वो लड़का पूछता है, तो फिर ये लोग कौन हैं। तो वो कहता है, ये वो हैं जो हमारे में मदद करेंगे हम जो भी बनना चाहते हैं। तो वो लड़का कहता है कि ये सब कैसे करेंगे ये। तो वो उसे कहता है, इन सबको मरना होगा। तो वो लड़का कहता है, क्या वो तुम्हारा कबीला कैसे मरा, वो सब कैसे खत्म हो गए। तो वो कहता है, ये हमेशा की तरह ऐसे ही होता है खत्म, जैसे यहाँ पे होगा, कोई उनसे स्ट्रॉन्गर वहां पे आ गया जिसने उनको ढूंढ लिया। और वो अपने बड़े बड़े दांत निकालते हुए कहता है, और कोई हंगरी जिसने उनको ढूंढ लिया। तो यहाँ पे वो लड़का बताता है कि एक रात वो एक भेड़िया जैसा बन गया और उसने उन वहां पे सभी को मार दिया और खा गया। वो ना तो एक साइबर कैट था और ना ही वॉकिंग माउंटेन, वो उससे भी बुरा था, जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। वो उसको उठा लेता है और कहता है, ये देखो बच्चे, तुम अभी एक गोस्ट हो जिसको ये भी नहीं पता कि वो मरने वाला है। मैं तुम्हारा नाम रखूंगा गोस्ट। अगर तुम मेरा नाम जानना चाहते हो तो आ जाओ और मुझे ढूंढ लेना अगर ढूंढ सकते हो। तो वो लड़का कहता है कि वो वहां से जैसे ही गया मुझे और भी अकेला फील होने लगा, और उस गुफा के बाहर का जो भी वर्ल्ड था मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। मैंने खुद को समझाया कि मैं इस बर्फ का सामना कर सकता हूँ, या शायद मैं आसानी से मरना चाहता था, पर इनमें से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी वहाँ पे एक सांप आता है जो उसको कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर अगर तुम जीना चाहते हो तो ये इससे भी बेहतर होगा। तो वो कहता है, सांप बोल नहीं सकते। तो वो सांप कहता है, तुम्हें कैसे पता, तुमने में तो अभी बोलना सीखा है, तुम छोटे से गोस्ट। वो लड़का कहता है, तुम्हें ये नाम कैसे पता। तो वो सांप कहता है, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, और जो भी ढूंढ रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पेन, पनिशमेंट, वेंजेंस, ये मेरी खासियत है। और वो लड़का बता रहा है कि वो सांप तब तक बोलता रहा जब तक मैं बर्फ से जम नहीं गया, और उस सांप ने मेरे से प्रॉमिस किया कि वो मेरी हेल्प करेगा मेरा बदला लेने में, मैं जो भी ढूंढ रहा हूँ उसमें। वो सांप कहता है, तुम्हें गर्मी नहीं चाहिए, जैसे तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हें गर्म कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें ऐसा गर्म करूँगा कि तुम कभी भी ठंडे नहीं हो सकोगे। और वो कहता है, तुम मेरा नाम लो
मेरे नाम में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। बोलो गोस्ट, तुम मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम लो और हमारी डील डन। और वो लड़का बोलता है, मैं फिस्टो। और वो जैसे ही ये बोलता है वो अंदर से जलने लगता है और हम देख सकते हैं उसके अंदर से धुआं निकल रहा है और वो खुद को कहता है कि शायद मैं जिंदगी में कभी भी अभी ठंडक महसूस नहीं कर पाऊंगा। तब से मुझे एक ही फीलिंग याद है और वो है जलने की, और वो सांप हंस रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक महमूद उसको कुचल देता है। और यहाँ पे सीन पहुंच चुका है 5 साल बाद। वो लड़का बताता है कि इतने समय में लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम दिए। लोगों ने मुझे नाम दिया द राइडर, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को एक बीस्ट को राइड करते हुए नहीं देखा था। और यहाँ पे वो आदमी भी है जो कुछ सूंघ रहा है। वो लड़का कहता है कि मैं वो बन गया जो उस आदमी ने मुझे नाम दिया था, गोस्ट द मैन। मेरे अंदर मेरी मांस से ज्यादा फायर थी और मेरे अंदर मेरी हड्डियों से ज्यादा आत्माएं भरी हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि गोस्ट राइडर उस आदमी को ढूंढ लेता है और वो खुद बैठा होता है उस मेमोथ पर। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी टाइम लगा, पर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारा नाम जानने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए, जो भी तुम्हें पता है। तो वो आदमी कहता है, अच्छा तो ये छोटा सा गोस्ट अभी बड़ा हो गया है और इसमें फायर भी आ गई है, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तो वो आगे से कहता है, मैं अभी कोई बॉय नहीं हूँ, मैं हूँ मॉन्स्टर। तो वो आदमी कहता है, पर मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बस खुद को जिंदा रखने के लिए ये सब करता हूँ। तुम्हें मेरा नाम चाहिए ना राइडर, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर ये लास्ट थिंग होगी जो तुम अपनी लाइफ में सुनोगे। वो कहता है, मेरा नाम है वेंडिंगो। और वो खुद को छुड़ा लेता है उसकी सूंड से। और वो कहता है, अभी तुम मेरा पेट भरने के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे गोस्ट राइडर उस पे फायर कर देता है, पर वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है और वो उसको नीचे गिरा देता है। और वो कहता है, तुम में पावर तो आ गई पर तुम अभी भी बेवकूफी हो। और वो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, पर तुम खुद को देखो, तुम भी तो आत्माएं खाते हो, तुम मेरे से भी बुरे हो। तो बड़ा मॉन्स्टर कौन हुआ? तो राइडर कहता है, हाँ हम दोनों हैं, पर यहाँ पे अभी एक ही जिंदा रहेगा। इस वर्ल्ड में दूसरा मॉन्स्टर जिंदा नहीं रह सकता। तो वो उसको कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता हो यहाँ हम दो ही हैं? ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे जैसे हैं। और वो राइडर को उठा के कहीं पे फेंक देता है और वो पहुंच जाता है उसकी गुफा पे, जहाँ पे हड्डियां ही हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, यहाँ पे तुमने कितने आदमियों को खाया? तो वो कहता है, ज्यादा को नहीं, मेरे लिए हमेशा कम पड़ जाते हैं, जितना मैं खाऊंगा मैं उतना ताकतवर बनता जाऊंगा और एक दिन मैं बन जाऊंगा गॉड। तो उसको राइडर कहता है, पर मुझे ये हड्डियां कुछ और ही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारे खाने के दिन चले गए, अभी तुमको वो खाएंगी। तो राइडर उसको उस हड्डियों से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम तब तक जलते रहोगे जब तक इस दुनिया में आग है, बिल्कुल मेरी तरह। पर वो उसको तोड़ देता है और वो राइडर पर हमला कर देता है और वो कहता है, जब तक दुनिया में हंगर रहेगा तब तक रहेगा वेंडिगो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उसका मेमोथ उसके अंदर अपने दांत घुसा देता है, पर वो उसका दांत तोड़ देता है और वो उसी के दांत को यूज करके उसके अंदर खोप देता है और वो दोनों गिरने लग जाते हैं उस पहाड़ी से। गोस्ट राइडर कहता है, नहीं, पर वो आगे से उसको जाते हुए कह देता है कि मैं फिर भी बच जाऊंगा गोस्ट, पर क्या तुम बच पाओगे यहाँ पर अकेले? तो तभी उसको कोई आवाज आती है जो उसको कहती है, तुम अकेले नहीं हो और हम सब मॉन्स्टर नहीं है उस वेंडिगो की तरह, हम भी तुम्हारी तरह डिफरेंट है गोस्ट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास आते हैं ऑडिन और फिनिक्स, जो कि उसको कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिनिक्स उसको कहती है, राइडर तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि हम इस दुनिया को बचा सकें। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।